बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जहां पर फिरोजाबाद में मकान में लगी भीषण आग और इस आग में झुलसने से 6 लोगों की मौत हो गई। बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है, एक ही परिवार के सभी लोग बताए जा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने, यूपी के फिरोजाबाद में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और किस तरह से चंद ही मिनटों में, चंद पलों में पूरा घर जलकर खाक हो गया। जो अंदर लोग थे वो अंदर ही रह गए, बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। 6 लोगों की, एक ही परिवार के 6 लोगों की झुलसने से मौत हो गई। हालांकि मृतकों के परिवार वालों को सहायता के तौर पर 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान जरूर किया गया है। शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी, कई घंटे के बाद इस आग पर किसी तरह से काबू पाया गया है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि फिरोजाबाद के एसएसपी आशीष तिवारी का इस पूरे मामले को लेकर कहना क्या है। जो घर है इसमें शॉर्ट सर्किट से प्रथम दृष्टया जो है वो आग लगने की बात बताई जा रही है इन्वर्टर बैटरी में, और उसकी वजह से आग लग गई, जिसमें एक परिवार के जो 9 लोग थे उसमें से 3 लोग जो है बचे हैं और 6 लोग जो हैं वो उसमें 2-3 एडल्ट और 3 बच्चे जो हैं उनकी प्रथम दृष्टया अभी मौत बताई जा रही है। ये बड़ी ही दुखद घटना है जिसमें इमीडिएटली पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए यहाँ पर आगरा, मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद से 18 दमकल की गाड़ियाँ और 12 थानों की पुलिस जो थी वो यहाँ पर पहुँचाई गई और रेस्क्यू अभियान किया गया। लगभग रेस्क्यू अभियान 2.5 घंटे चला है, थोड़ा कंजेस्टेड था यहाँ पर एरिया पूरा और जिसमें काफ़ी हम लोग को मशक्कत करनी पड़ी, बट अभी हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि एसरटेन कर रहे हैं कि कोई और इसमें ना फंसा हो, और इसमें अभी भी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।